सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का स्वागत है। गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में हम चतुर्थ अध्याय को देख रहे थे। चतुर्थ अध्याय में कल तक की कक्षा में हमने सत्रह श्लोक पर्यंत देखा था। सत्रवा श्लोक था, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म फल के ऊपर एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इन्होंने एक बात की तरफ संकेत किया था कि संपूर्ण कर्मफल व्यवस्था को पूरा पूरा जान पाना ये बड़ा कठिन लगता है, नहीं हो पाता। तो मनुष्य क्या करे, क्योंकि एक बात आती है कि जब तक संपूर्ण व्यवस्था का बोध ना हो तब तक उन्नति के लिए प्रयास कैसे करे। तो प्रश्न भी उठाया और उसी का उत्तर भी इसी श्लोक में दिया। क्षमा चाहूंगा कि मनुष्य तीन स्थितियों को जान ले, कर्म, विकर्म और अकर्म। इन तीनों को यदि जान लेते हैं तो भी उन्नति के लिए हमें पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। 18वां श्लोक चौथे अध्याय का, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। कह रहे हैं कर्मणि, कर्म में, अकर्म यह जो पश्येत देखता है, कर्म में जो अकर्म देखता है, और अकर्मणि अकर्म में भी च भी कर्म सकाम कर्म यह जो सह वह बुद्धिमान अर्थात बुद्धिमान मनुष्येषु मनुष्यों में मानव समाज में सह वह युक्तः वह युक्त है किनसे, दिव्य स्थितियों से। कृत्स्न कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी, यानी कर्म का कर्ता होते हुए भी वो क्या है, अकर्ता जैसी स्थिति। आओ अर्थ देखते हैं पहले, फिर उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। बड़ी ऊंची स्थिति है ऐसा निश्चय कर पाना, ये वास्तव में बड़ा बुद्धि साध्य कार्य है। सरलता से बात पकड़ पे नहीं आती, इसके लिए ना केवल बुद्धि चाहिए अपितु इसके लिए हमें साधना आदि की भी आवश्यकता होती है। फिर भी और कह रहे हैं, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में बना रहता है ऐसा। तो यदि इन श्लोकों को हम देखें तो हमने जो भगवान कृष्ण जी के विषय में एक श्रुति हमारे सामने आई थी कि वो युद्ध आदि कर्मों को करते हुए भी
ईश्वर प्रणिधान में रहते थे। ये श्लोक तो इस बात की बिल्कुल जो कि क्यों पुष्टि करता है। आप लोग उससे पर तनिक भर के लिए चाहूँगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों देखना बुद्धिमान मनुष्यों का काम है। मनुष्येषु शब्द है, यानी मनुष्यों में भी जो बहुत बुद्धिमान है ऐसा जान पाते हैं, समझ पाते हैं ऐसा, और वो बड़ी दिव्य ऊंची स्थिति में है। दिव्य का तात्पर्य ऊंची स्थिति। दिव्य शब्द से कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, जैसे एक बात हम सुनते हैं परमात्मा के विषय में, या जैसे जो हमारे आदि महापुरुष हुए हैं उनके विषय में, कि उनके पास दिव्य शक्तियां थी। तो जैसे ही दिव्य शब्द आता उसको लेकर के हम क्या समझते हैं, कुछ असंभव जैसा, कुछ अकल्पनीय जैसा, इस प्रकार से। तो दिव्य शब्द का तात्पर्य सीधा सीधा देखें तो ऊंची स्थितियां, जो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन जैसी, या सामान्य मनुष्य को तो ऐसा लगता ना ना भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन जो ऊंचे लोग होते हैं उनकी उनको वो कैसी लगती हैं, बिल्कुल सहज। तो दिव्य शब्द का अर्थ ऊंचा ऐसा, समझिए ऐसा कैसे हो सकता है, कर्म में अकर्म कैसे देखा जा सकता है। देखो बिल्कुल सीधे सीधे समझाता हूं बिना किसी उलझन के। कर्म जो कर रहा है, मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करते हुए वो घृत से और अन्य पदार्थों से आहुतियां प्रदान कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी वो अकर्म कैसे देख सकता है, इस कर्म में वो यज्ञ का कर्ता होते हुए अपने आप को अकर्ता कैसे देख सकता है। देखो क्या कोई भी मनुष्य घृत की एक बूंद उत्पन्न कर सकता है यदि परमात्मा की व्यवस्था ना हो, और जो भी वो सामग्री में मिष्ठान पुष्टिकारक रोगनाशक जो भी वो पदार्थ सामग्री में प्रदान कर रहा है, क्या उनमें से एक भी पदार्थ को वो स्वयं बना सकता है? नहीं बना सकता ना। बस इतना है, स्वयं उन पदार्थों को अर्जित कर सकता है। तात्पर्य भाई धन कमाएगा, धन से उन पदार्थों को ले आएगा खरीद करके, लेकिन बना नहीं सकता। तो जब कोई साधक, कोई उपासक, कोई ऊंची स्थिति प्राप्त व्यक्ति यज्ञ कर रहा होता है, तब वो एक विचार कर रहा होता है या उसको करना चाहिए। वैसे तो हम कहते तो हैं इदं न मम, यज्ञ में ये शब्द का स्थल स्थल पर प्रयोग मिलता है हमें, लेकिन फिर भी जो केवल शब्द मात्र कहते हैं इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। ये बड़ा अनुपम उदाहरण बता रहा हूं, ये जो इदं न मम है ना, ये कह रहा है कि आप इस कर्म को करते हुए भी, कर्म के कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहो, बिल्कुल अहंकार से, अहंकार भाव में पुष्टि ही मत लो उस रूप में। तो कोई भी पदार्थ मनुष्य बना तो नहीं सकता ना उस रूप में। हां परमात्मा ने, समस्त पदार्थ परमात्मा ने हमें प्रदान किए हैं, यानी इन सबका निर्माता मूल देखे तो परमात्मा। ये तो रहा कर्म में अकर्म वाली स्थिति, और अकर्म में कर्म की स्थिति क्या है? देखो भाई जो कुछ हो रहा है अकर्म, यानी यदि देखें तो अकर्म का पीछे हमने एक अर्थ आपके समक्ष रखा था, जिसको हमने कहा था निस्वार्थ कर्म, फल की इच्छा पर दृष्टि ना होकर के कर्म, कर्तव्य पालन जिसको कहा था मुख्य रूप से, कि जो कर्तव्य पालन की दृष्टि से, जैसे कि योगी कर्म करता है, योगी अकर्म में भी कर्म देख लेता है। कैसे देख लेता है उसको भी इसी प्रकार से समझ लीजिए। ये दोनों विषय बुद्धि के हैं, क्योंकि मनुष्येषु बुद्धिमान सह बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्त,
मनुष्यों में भी जो अतीव बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, वो इस प्रकार का देख पाते हैं। अकर्म में कर्म कैसे? तो देखो, परमात्मा की व्यवस्था को यदि हम देखते हैं, जितना जितना हम देखते हैं, यदि केवल जल विज्ञान को देखें, केवल जल और जल में रहने वाले जीवों को देखें, तो जितना जितना हम अनुसंधान करते जाते हैं, जितना जितना हम अनुसंधान करते जाते हैं, तो हमें ये प्रतीत तो होता है कि यदि यही कर्म को हम में से किसी ने किया होता, तो सबसे पहले तो इतना व्यवस्थित कभी नहीं कर सकते थे। किसी के देह को हम बना ही नहीं सकते। और यदि अभ्युपगम सिद्धांत से तनिक भर के लिए मान भी लें कि हम बना भी सकते हैं, बना भी ले, तो उतना व्यवस्थित तो कभी नहीं बना सकते। प्रतीक बना सकते हैं उस देह का, देह को हम बना करके और उसमें आत्मा का प्रवेश आदि, वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये सब कौन कर रहा है, किसकी व्यवस्था से संपन्न हो रहा है, किसकी व्यवस्था में संपन्न हो रहा है? परमात्मा की। तो अकर्म होते हुए भी उसमें कर्म दिख रहा है ना, बस इतनी सी बात ये इसमें है। और आगे तो कहा है कि जो ऐसी स्थितियों को प्राप्त हो जाता है वो कैसा होता है, उसकी स्थिति ऊंची मानी जाती है, वो दिव्य है, दिव्य स्थिति वाला आदरणीय है, उसको आप सम्मान की कोटि में रख सकते हो। ऐसा 19वां श्लोक देखिए, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अच्छा, इन शास्त्रों की एक बड़ी अच्छी विशेषता होती है, प्रायः इन सब में ये व्यवस्था मिलती है, लगभग लगभग सभी में मिलती है, एक ही बात को केंद्रित करके ये एक ही विषय पर एकाग्रता से कई सारी बातों को भिन्न भिन्न दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। देखो इस श्लोक में देखो, ऐसा कैसे होता है, तो अब उसको ये स्वयं भी बता रहे हैं। कह रहे यस्य, जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभाः प्रयत्न काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय। संकल्प शब्द का अर्थ क्या होता है? निश्चय। वर्जिताः से रहित हैं ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि अग्नि द्वारा दग्धः भस्म हुए कर्माणम् जिसका कर्म तम उसको आहुः कहते हैं पंडितम बुधाः बुद्धिमान ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयत्न प्रत्येक संकल्प इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। जिसने ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है, ऐसा अर्थ करेंगे। यानी जब हम इंद्रिय तृप्ति की कामना से कर्म करेंगे तो वो सकाम कर्म ही होगा, सकाम कर्म की दृष्टि से ही उसको लिया जाएगा। लेकिन जब हम इंद्रिय तृप्ति इसको हटा करके कर्म करते हैं तब हमारे कर्म सकाम नहीं होते, फिर निष्काम कर्म हो जाते हैं, जिसको आप निस्वार्थ भाव से कहते हो, जिसको आप परोपकार कहते हो, पर उपकार, स्वयं के लिए भी स्वयं भी परोपकार किया जाता है। कैसे? तो हम बहिर्मुखी होकर के पूरे दिन में बहुत सारी यात्रा करते हैं, अनेकों कर्म करते हैं, लेकिन जो भीतर बैठे हुए हम स्वयं हैं, हम आत्मा, विचार कीजिए, क्या हम कभी अपने विषय में विचार करते हैं? इस शरीर के माध्यम से हम कितने कर्म करते हैं, बुद्धि से हम कितना निर्णय करते हैं पूरे दिन, मन से हम कितना विचार करते हैं,
इन सबको देखते हुए। लेकिन ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये इंद्रियां, इन सब का जो मूल संचालक पीछे आत्मा है, जिसके लिए सब कुछ है, उसके विषय में हम कभी कभी स्वयं के भीतर ही स्वयं को कभी हमने समय दिया है? जिस दिन भी हम में से कोई स्वयं को समय देना आरंभ कर देते हैं, मानो हम स्वयं के लिए भी परोपकार कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हम बहिर्मुखी होकर के कर्म कर रहे हैं, निश्चित सी बात है वो भी कर्म है, और वो कर्म भी सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। लेकिन निष्काम कर्म की यदि मैं एक दृष्टि से सफलता मानूं या कहूं, तो स्वयं के लिए ये सारा का सारा संसार, ये समस्त व्यवस्थाएं स्वयं के कल्याण के लिए हैं। और जिसने अपना कल्याण किया, वो दूसरों के साथ तो अन्याय कर ही नहीं सकता, वो दूसरों के लिए भी यथा सामर्थ्य प्रयत्न अवश्य ही करेगा, इस रूप में कह रहा हूं। तो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना ये ज्ञानी होने का लक्षण है, और ज्ञानी को साधु कहते हैं। साधु, आजकल एक शब्द सुनते होंगे ना, साधु सन्यासी। तो साधु सन्यासी का तात्पर्य क्या होता है? इनके कर्म इंद्रियों इंद्रिय तृप्ति की कामना से नहीं होते। इनके कर्म कैसे हो जाते हैं? इनसे, इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से ये ऊपर उठ करके कर्म करते हैं। ऐसे लोगों को साधु, सन्यासी, ज्ञानी, महात्मा, ऐसे लोगों को कहा जाता है। क्यों? तो उसका हेतु उन्होंने दिया कि उन्होंने अपनी ज्ञानाग्नि से, अपनी साधना से, अपनी उद्भासित शक्तियों से वो जो कर्मफल की जो वासना है, या यूं कहूं इंद्रिय और इंद्रिय से संबंधित जो विषय हैं, उन विषयों को क्या कर लिया है? भस्मसात का तात्पर्य तो वैसे नष्ट करना होता है। इसको ऐसे समझिए दूसरे तरीके से कि उन्होंने उन पर विजय पा ली है। कैसे? किस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से? तो वो ज्ञानाग्नि कैसी है? जैसे इंद्रिय और उससे संबंधित विषय, तो दोनों कैसे हैं? अनित्य पदार्थ है, और अनित्य को अनित्य जान लिया है जिसने, ये उसकी ज्ञानाग्नि है। जैसे अग्नि में किसी धातु को डाला जाए तो उसके समस्त मल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जब कोई योगी, कोई उपासक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई भक्त इस प्रकार से जान लेता है कि भाई जो नित्य पदार्थ हैं, जो सदैव शाश्वत है, सनातन है, एक रस है, क्यों ना ऐसे पदार्थों के लिए प्रयत्न किया जाए। आत्मा का मुख्य स्वभाव है वो सुख चाहता है। निश्चित सी बात है इंद्रियों से संबंधित जो विषय है उनमें भी सुख है, लेकिन आत्मा स्वभाव से प्रयत्न वाला है। ये देखता है, निरंतर देखता है कि इंद्रियों से संबंधित जितने सुख है ना, वो स्थाई नहीं है, और इसको स्थाई सुख चाहिए। स्थाई का तात्पर्य लंबे, दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय तक एकदम एक रस सुख। ये प्रत्येक आत्मा की, मैं कहूं, अकुलाहट है प्रत्येक आत्मा की। बस अंतर इतना मात्र है, जब जो इस अकुलाहट को समझ लेता है, जिसने इसको जान भर लिया, तनिक भर के लिए जिसने जान लिया, अब समझो इसका कल्याण निश्चित अवश्यंभावी है, होगा ही होगा। ये प्रयत्न वैसे करेगा ही, और जैसे जैसे इसके प्रयत्न होंगे ईश कृपा से, उसको वैसा वैसा स्थितियां मिलती चली जाएंगी इस रूप में। आइए 20वां श्लोक देखते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः।
एक और दृष्टि से इसको देखिए, कह रहे त्यक्त्वा, त्याग कर किसको, कर्म फल आसंगम, कर्म फल की आसक्ति को, लगाव को, कर्म फल के प्रति जो राग है, मैं यदि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, मैं यदि अपनी संतान को ऐसा बनाऊंगा तो ये मुझे वृद्धावस्था में सुख देगी, मैं यदि आज इतनी धन संपदा जोड़ूंगा तो भविष्य में मेरे काम आएगी, मैं यदि ये पेड़ लगाऊंगा तो इसका फल मुझे प्राप्त होगा। ये जो लगाव है ना, ये जो राग है, ये जो सुख के प्रति हमारा आकर्षण है, इसका त्याग कर नित्य सदा तृप्त, तृप्त निराश्रय आश्रय रहित कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर कटिबद्ध होकर अपि भी न नहीं एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति सह, करता है कौन सह, वही ज्ञानी पुरुष जिसकी पिछले श्लोक में चर्चा हो रही है, जिसको उससे भी पहले 18वें श्लोक में ये कहा था कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सब मनुष्यों में बुद्धिमान है, दिव्य स्थिति वाला ऐसा मनुष्य। आओ देखो अर्थ देखो उसको क्या कह रहे हैं, एक ही बात को समझाने के लिए देखो कितनी दृष्टियां प्रदान करते हैं, इसलिए तो इनको शास्त्र कहा। देखिए, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कैसे उसको समझिए, देखिए कर्म फलों की सारी आसक्ति यानी जितना भी जो भी कर्म है और उस कर्म का निश्चित सी बात है, यदि कोई कर्म है तो उस कर्म का फल भी निश्चित ही है। और यदि आपको ध्यान हो तो पीछे एक श्लोक भी आया था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है एक बार। अब यदि कर्म है तो उसका फल भी है, ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। एक छोटी सी बात का देखो कितना बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलता है, उसकी परिणति कितनी अलग हो जाती है दोनों की। यदि कोई कर्म किया है तो उसका फल निश्चित है, लेकिन एक व्यक्ति है फल के प्रति वो बड़ा उत्साहित है, उत्सुक है, लालायित है, लालची हो रहा है, कर्म के फल को ध्यान में रख करके बड़ा प्रसन्न है। एक माता पिता अपने पुत्र अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, बड़े प्रसन्न हैं उस कर्म का जो प्रतिफल उनको मिलने वाला है, आगे भविष्य में वंश परंपरा आगे बढ़ेगी या जो भी इस रूप में, उसको देखकर के वो क्या है, बड़े लालायित है, बड़े हर्षित हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा इसी को इसी बात को केंद्रित बना करके ये स्पष्ट करता हूं, यदि वो यही देखो जो कर्म है उसका प्रतिफल तो निश्चित है, उसको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन फल को ध्यान में रख करके, फल पर दृष्टि रख करके जो उनका लगाव है उसके प्रति जो खिंचाव है, उसमें भी उनकी कैसी दृष्टि है, सम दृष्टि, ना अधिक प्रसन्नता और ना ही अधिक दुख। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है उसको बहुत स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन अनेकों प्रकार के मिष्ठान्न बड़े प्रिय हैं, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी चर्चा ये अभी पीछे कर रहे थे, जिसको साधु ज्ञानी इत्यादि शब्दों से कह रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति है। अब उसको कहीं पर भोजन मिलता है, अब उसको कहें कि भैया देखो आज ये थोड़ा है, तो क्या कहता, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बोले दूध है ही नहीं, हाँ ठीक है चलेगा कोई बात नहीं,
दूध में मीठा कम है, ठीक है। अच्छा दूध थोड़ा सा पतला है, ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं। प्रत्येक स्थिति में वो कैसा है, सम बना रहता है। और ऐसा ब्राह्म्य स्थिति, ऐसी स्थिति वाले को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति वाला ब्राह्म्य स्थिति कहे वाला कहा जाता है। तो बस यही कर्म फल पर दृष्टि ना रखना, उस चाह को हटा देना, उस राग को पृथक कर देना, ये ज्ञानियों का लक्षण है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और वो जो फल है उस फल के प्रति जो राग आसक्ति लगाव खिंचाव उसकी ओर जो झुकाव है उसको ध्यान में रखने वाला वो ज्ञानी नहीं होता। वो इंद्रिय और इंद्रियों से संबंधित विषयों में ही अपने पूरे जीवन को जी लेता है, पूरा जीवन। कल हम कहीं यज्ञ कराने गए थे, उन्होंने बताया कि उनके पति उनके पिता यज्ञ के बड़े प्रेमी थे। प्रत्येक छोटे से छोटे अवसर पर भी वो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। जब मैं उनके यहाँ गया तो मुझे एक बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति देखने को मिली। उसको देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि आयु कितनी भी हो जाए लेकिन व्यक्ति यदि अपने संस्कारों पर अपनी इन स्थितियों पर काम नहीं करता, यदि उसको ये विवेक प्राप्त नहीं होता ये समूचा जीवन किस लिए था। और ये जो सगे संबंधी कर्तव्य अकर्तव्य ये जो भी कुछ है वो किस लिए है, इनको करते हुए भी मुझे किसी उच्च लक्ष्य की ओर जाना है। तो मनुष्य वृद्ध होते हुए भी बालको जैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल बालको जैसा। और बालकों वाला भी कैसा, उद्दंड बालको जैसा। ओ इसलिए बस इतना सा अंतर है, फल की इच्छा का त्याग यही आपको ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। फल तो आपको तभी भी मिलना है, लेकिन तब आप क्या कह देते हैं जब फल की इच्छा का त्याग, जी बस मेरा तो कर्तव्य था, जी परमात्मा की कृपा से ऐसा संभव हो पाया, मैं तो बस थोड़ा सा प्रयास मात्र मैंने किया था, ये तो सब प्रभु की कृपा। अब मैंने प्रयास किया है लेकिन किसकी कृपा से, परमात्मा की। ये शरीर किसने प्रदान किया, तो परमात्मा ने। इस शरीर में बनने वाले रस रक्त आदि जो है वो किसकी व्यवस्था से बन रहे हैं, मैं तो नहीं बना रहा, मैं आत्मा तो एक बूंद रक्त की नहीं बना सकता। हाँ मैं तो भोजन आदि तो ग्रहण कर सकता हूं, तो शरीर में रक्त रस आदि किससे बन रहा है, वो परमात्मा कृपा से। उनसे ऊर्जा कैसे बन रही है, वो भी व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी है। तो भाई मेरा क्या है, उसी ऊर्जा से मैं कर्म कर रहा हूं ना, कुछ भी कर रहा हूं। देखो इस सारी ऊर्जा का जो मुख्य प्रदाता है वो कौन, परमात्मा। अब इस प्राप्त ऊर्जा से जो मुझे प्राप्त है, हम आत्माओं को जो ऊर्जा प्राप्त है, सभी जीवों को, उससे हम कर्म करते हैं। और कैसे कैसे कर्म करते हैं, कहीं पर हम अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, कहीं पर हम अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, कहीं पर हम अपनी मनमानी, कहीं पर हमसे लोग डरे, हमारे सामने लोग बिल्कुल शांत हो जाए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, ना जाने क्या क्या, ना जाने किस किस प्रकार के उस रूप में। तो बस इतनी सी छोटी सी बात है, कर्म फल की जो इच्छा है जो कामना है उसको हटा देना आपको ज्ञानी व्यक्ति की कोटि में रख देगा। और उसमें लगे रहना, आप जीवन भर कुछ भी करते रहो अज्ञानी बने रहो, इतनी सी बात है इसमें। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, सब प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वो कोई सकाम कर्म नहीं करता, क्योंकि अब उसको उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट विदित हो गया है कि भाई ये जो भी कुछ है, जो भी कुछ हो रहा है किया जा रहा है, पहली बात तो ये
इसका मेरे से कोई बहुत साक्षात संबंध नहीं है, और बस वो ये देखता है कि इस कर्म से मेरी मुझ आत्मा की मुझ चेतना की कितनी उन्नति हो सकती है, और यदि अवनति का तरिक भर भी उसको आभास होता है तो वो उस कर्म को त्याग देता है। 21 वर्ष लोग देखते हैं, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, निराशी ही फल की आकांक्षा से रहित, वही जो हम देखो ऊपर चर्चा कर रहे थे बिल्कुल ऐसा कैसे इसमें आपको मिलेगा, फल की आकांक्षा से रहित अर्थात निष्काम, यत संयमित चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शारीरम प्राण रक्षा केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्वन करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है विषम पाप युक्त फल को, ऐसा जानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। पीछे कहा था ना देखो, जड़ वस्तुओं से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा। अब जो आत्मा अपनी इंद्रियां अपना मन अपनी बुद्धि इन सब को अपने वश में करके कर्म करता है, जिसने इन सब को पर विजय प्राप्त कर ली है, अब वो ये नहीं कहता मेरा मन तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी ना जाने क्यों, ऐसा जो व्यक्ति है उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जिसने अपनी इन सभी स्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए कह रहे हैं। क्या वो कर्म करता है और अपने स्वामित्व भाव को हटा देता है। स्वामित्व भाव का तात्पर्य क्या होता है इसको बस एक शब्द इसमें समझ लेंगे तो पूरे श्लोक का अर्थ आपको लगभग लगभग समझ में आ जाएगा। स्वामित्व भाव कहते हैं जैसे मैं और मेरे का संबंध, इसको इस रूप में समझ सकते हैं आप, मेरा घर मेरा रुपी मेरी संपदा मेरा धन मेरी व्यवस्था, जो भी कुछ मैं और मेरे का संबंध है इसको कहते हैं स्वामित्व भाव। और जो इस स्वामित्व भाव को त्याग देता है, त्यागने का तात्पर्य यह नहीं होता कि उसके सामने यदि उसके किए गए परिश्रम का उसके अर्जित द्रव्यों का यदि नाश हो रहा है उनकी हानि हो रही है तो वो उसका उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं। त्यागने का तात्पर्य क्या है, हाँ ये व्यवस्थाएं हमारे लिए है मेरे लिए है और मेरी उन्नति के लिए है, बस इस रूप में जहां जहां उसे लगता है कि इन व्यवस्थाओं का अतिक्रमण हो रहा है या इन व्यवस्थाओं का उस रूप में दोहन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए वहां पर वो यथा सामर्थ्य हस्तक्षेप करता भी है। उदाहरण के लिए छोटी सी बात बताता हूँ, देखो आपको कल दीक्षा जी वस्त्र धोने के लिए गई तो इन्होंने वस्त्रों को भिगोने के लिए उसमें सर्फ डाला, सर्फ की मात्रा इन्होंने थोड़ी सी अधिक उसमें रख दी। मैंने देखा तो मैंने इनसे कहा इतना सर्फ क्यों डाला, बोली वस्त्र थोड़े अधिक हैं। मैंने इनको कहा एक छोटी सी बात विचार करो, ये जो सर्फ है ना वस्त्रों में लगे जमे मैल को तनिक पिघलाने के लिए होता है, और एक बात ध्यान रखो भूमि में जाकर के ये बड़ी अशुद्धि फैलाता है, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं इनसे साक्षात कैंसर होता है ये ध्यान रखो।
तो इसलिए उतना ही प्रयोग करो जितने से काम चल जाए। तब उन्होंने उसमें से काफी सारा सर्फ उसमें से वापस लेकर के रख दिया इस रूप में। तो स्वामित्व भाव को त्यागने का तात्पर्य इस रूप में हमें लेना चाहिए। और जिसके मन बुद्धि और इंद्रियां जिसके वश में हो गए, निश्चित सी बात है अब उसके लिए संसार का कोई भी पदार्थ है ऐसा है ही नहीं कि जिसमें वो उलझ जाए, जिसमें वो फंसे, जिसके प्रति वो आकर्षित हो, मोहित हो, जहां पर आकर के वो कहे अरे ये मुझे चाहिए। क्योंकि हमें बाहर से बहुत कुछ चाहिए, जो हमारे पास है तनिक उनको सहेज करके देखो, उनकी रक्षा करके देखो, उनसे प्रेम करके देखो एक बार। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि यदि आप अपने आप से स्वयं से प्रेम करो अपने भीतर की उस दीर्घ यात्रा में, उस आनंदमय यात्रा में यदि तनिक भर के लिए भी आप भ्रमण करके देखो, प्रतिदिन का नियम बनाओ, आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ भी थोड़ा प्राप्त हो रहा है तब भी, अधिक प्राप्त हो रहा है तब भी, कोई प्रभाव नहीं आएगा आपके जीवन में। आप किसी भी आश्रम में हैं, किसी भी गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, खैर सन्यासी तो नहीं है इस हमारी कक्षा में, कुछ भी आप ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, जो भी आप हैं एक्स वाई जेड, स्वयं से एक बार प्रेम करके तो देखो। स्वयं के पास जो इतनी संपदाएं हैं उनको संभाल करके देखो एक बार। कभी विचार करो कि मैं अपने मन से प्रेम करूं और अब इस मन को अपने वश में लाने का यथा सामर्थ्य प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। और यदि भगवत कृपा से आपका मन आपके वश में हो गया तो इंद्रियां तो आपके वश में आ ही जाएंगी स्वाभाविक रूप से। और जिसकी इंद्रियां और मन जिसके वश में हो जाता है उसके आनंद का, उसकी प्रसन्नता का कोई उससे पूछो कि क्या रहस्य है, तो वो बस अपने ही भीतर मग्न है, तृप्त है बस वो। हम बाहर तृप्त होना चाहते हैं, रसगुल्ले में सुख है, जलेबी में भी सुख है, अन्य जो भी व्यंजन है, तीखे हैं, चटपटे हैं, मीठे हैं, जो भी है, जो भी बाहर, इस सारी सृष्टि में सुख है, निश्चित सी बात है। मैं उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता जो कहते हैं कि संसार में कुछ नहीं है और ये संसार भी कुछ नहीं है। भाई संसार कुछ नहीं तो तू कहां तैर रहा है फिर? मैं उन लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं मानता। ये संसार कुछ नहीं है, सब मोहमाया है, सब मोहमाया है, तो ये बता तू बोल कैसे रहा है, तू खड़ा कहां पर है, तू अपने जीवन की गति कहां पर कर रहा है? यदि सब मोहमाया, कुछ भी नहीं है, सब वो अस्तित्व कोई उस रूप में अस्वीकार कर देता है, अपने स्वामित्व भाव का त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए, ये शरीर सुरक्षित रहे। और इस शरीर के सुरक्षित और स्वस्थ रहने का उद्देश्य क्या है उसको पता है, ज्ञानी बनना, वही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना, वही जिसको उन्होंने कहा था काम एषा क्रोध एषा, इन सबको अलग हटाना, वही कर्म बंधनों से अपने आप को पृथक करना, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस रूप में एक एक विषय उस रूप में आता चला जाएगा। तो केवल शरीर का निर्वहन करने के लिए वो कर्म करता है। और इस तरह से जो कर्म करता है वो व्यक्ति कर्म बंधन, या यूं कहूं सकाम कर्म, पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। कई बार व्यक्ति बड़े शुभ कर्म भी करता है, या यूं कहूं निष्काम कर्म करने की चेष्टा भी यथा सामर्थ्य करता है, तब भी उसके जीवन में कई बार विपत्तियां आ जाती हैं। विपत्तियों के आने पर भी जो ऐसा पुरुष है, पुरुष का तात्पर्य मैं चेतना को ध्यान में धर करके कह रहा हूं, ऐसा मनुष्य समझ लीजिए, तो जो ऐसा मनुष्य है वो विचलित नहीं होता। बस इसमें और सामान्य मनुष्य में इतना अंतर है,
इसके समक्ष कोई भी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, ये विचलित होता ही नहीं। और सामान्य तनिक सी छोटी से छोटी बात यदि आ जाए, सब कुछ खो देता है अपना, जिसको कहते हैं आपा खो देना। बस इसमें और सामान्य मनुष्य में और ज्ञानी मनुष्य में इतना अंतर है। तो किल विषम, देखो इसमें एक शब्द है किल विषम, पाप युक्त फल को न अपनोति कभी प्राप्त नहीं होता, और क्या कर्म कुर्वन कर्म करते हुए भी। आइए गजेंद्र जी ने हैंड रेज किया, कोई प्रश्न है क्या गजेंद्र जी? जी प्रणाम। मैं अभी जो मन इंद्रियों को बस में करने के साधन क्या है, कैसे उनको बस में किया जाए, कंट्रोल में किया जाए? ठीक है, गजेंद्र जी का प्रश्न है कि मन और इंद्रियों को वश में किस प्रकार से किया जाए। देखो सबसे पहले तो किसी भी वस्तु को यदि आप वश में करना चाहते हैं, एक बार म्यूट कर लीजिए गजेंद्र जी, प्रश्न पूछ करके म्यूट कर लिया करें। हाँ जी, तो यदि आप किसी भी इंद्रिय हो, मन हो, बुद्धि हो, यदि इनमें से किसी पर भी यदि आप विजय चाहते हैं, इनको अपने वश में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रिय और उससे संबंधित विषय, पहले तो इसको जानो, यानी ठीक ठीक जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर उसका सामर्थ्य जानो, कितना सामर्थ्य है, उसका गुण जानो, क्या गुण है उसका। और फिर जब आपको ये सब जानने के बाद एक स्पष्ट दृष्टि होगी ये किस लिए है, जैसे उदाहरण के लिए मन को ले लेते हैं, संकल्प विकल्प आत्मक मन, संकल्प और विकल्प ये दो कार्य करने वाला मन है, ऐसा कर लूं, ना ना ऐसा करना ठीक नहीं है, चल कर लेता हूं, अरे नहीं नहीं नहीं, तो ये जो कर लेता हूं ये संकल्प, और ये जो नहीं 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 है ये विकल्प, ऐसा करने वाला है मन। इसका सामर्थ्य कितना है, तो देखो वेद मंत्र कहता है यत जाग्रतः दूरम उदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। कैसा है, जागते हुए भी और सोते हुए भी बहुत दूर सुदूर चला जाता है, बड़ा शीघ्रगामी है, बड़ा बलवान है। कितना बलवान है कि एक क्षण में यहां और एक क्षण में ब्रह्मांड के उस छोर में जाने की चेष्टा करता है, इतना तो तीव्र गति वाला है, संसार में किसी की गति इतनी नहीं। और कैसा है, जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है, हम तो नहीं करते, मन करा देता है, अरे क्या बताएं साहब, मन ही नहीं मानता। तो पहले यह समझो मन तो एक जड़ वस्तु है, वो तो एक ऐसे समझो जैसे आपके पास कोई भी वस्तु होती है, मोबाइल है, वाहन है, आपका घर है, कोई भी वस्तु, कोई भी, मन चेतन पदार्थ नहीं है, मन जड़ वस्तु है, ये इसका लक्षण है, इसका गुण है। और जड़ वस्तु हमें चलाए, हम चेतन को चलाए, जब व्यक्ति ऐसा जानने लगता है अच्छा इंद्रियां भी जड़ हैं, अरे और इससे आगे बढ़ोगे यदि आप तो बुद्धि भी जड़ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल आत्मा चेतन है, मन इंद्रियां बुद्धि ये सारे पदार्थ जड़ हैं, और तो छोड़ो अरे समूचा अंतःकरण चतुष्टय भी जड़ है, पूरी प्रकृति ही जड़ है, प्रकृति के जो मूल तीन घटक हैं और उससे बनने वाले जितने भी भाई जड़ वस्तु से बनने वाले जो भी पदार्थ होंगे वो जड़ ही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जड़ वस्तु और उससे चेतन बन जाए या चेतन वस्तु उससे जड़ बन जाए, ये प्राकृतिक नियमों के भी अनुकूल नहीं है बात।
तो मूल प्रकृति सत्व रजतम, इसकी जो साम्य अवस्था उसको मूल प्रकृति कहते हैं। अब इनसे बनने वाले चाहे महातत्व हो, अहंकार हो, सूक्ष्म भूत हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, चित्त हो, चाहे जो भी हो, सब जड़ है। अब जब जिस आत्मा को यह बोध हो तो अच्छा, ये मन बुद्धि भी जड़ है। अरे हम तो सोच रहे थे ये मन बुद्धि तो चेतन होती होगी इसलिए हमारे काबू में नहीं आती, तो फिर ये फिर क्यों वश में नहीं आ रही। तो एक सीधा सा उत्तर उनको मिलता है, भाई आज तक हमारे अभ्यास कैसे हैं, आज तक हमने इनको ये मान करके चलाया है कि हम इनके संचालक हैं, हम इनके स्वामी हैं, या आज तक हमारा ऐसा व्यवहार रहा है कि नहीं, जो आया जैसा आया वैसा ही इन्होंने हमें चला दिया, जैसा मन में तरंगे उठी, तरंगे अर्थात संस्कार, जो वृत्ति आई हम वैसे ही बह गए। योग दर्शन की भाषा में यदि देखे तो वहां पर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि जैसी वृत्ति होती है जो संस्कार उठता है आत्मा अपने आप को वैसा ही समझने लगता है, मन में जैसी तरंग आई वैसा ही मान लेता है। उदाहरण के लिए, अरे मुझे चोट लग गई। भाई तुझे चोट नहीं लगी, आत्मा को कोई चोट नहीं लग सकती, तेरे पास जो देह है उस देह के किसी अंग विशेष में कोई चोट आ गई है, तुझे नहीं लगी है। अरे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। भाई तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, आत्मा का कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता भौतिक दृष्टि से। हाँ आत्मा का, आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके लिए उपनिषद यहां तक कह देते हैं महती विनष्टि, महान विनाश। तो इस रूप में हम मन बुद्धि इंद्रियां इन सभी को वश में कर सकते हैं, क्योंकि जड़ वस्तु हैं और जड़ वस्तुओं के ऊपर शासन चेतन का होना चाहिए, और ये स्वाभाविक भी है। यदि ऐसा नहीं है तो सोचो, विचार करो, हम कितने अज्ञान में, हम कितनी अविद्या में हैं। अब कई बार कहते हैं साहब बात तो ठीक ठीक बता रहे हो लेकिन पकड़ में नहीं आता, ये तो पकड़ में ना आने का कारण है आपका अभ्यास। सतु दीर्घ काल निरंतरियो सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल से तक निरंतरता से सत्कार पूर्वक मन को मारना नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं मन को मारो, अरे जड़ वस्तु तो इसको बिल्कुल इसका गला घोट दो, मानो मानो उसका गला पकड़कर उसको ना बिल्कुल दम निकाल दो, ऐसा ना, ऐसा भी नहीं करना। मन को वश में करने का, देखो ऐसे समझो, माता अपनी संतान को वश में करना चाहते तो क्या उसका गला दबाती है क्या? बड़े प्रेम से उसके उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसका जो बालपन है, उन सबको वो एक व्यवस्थित, एक बड़ी संयमित दिशा देती है, क्योंकि तो मां जानती है मेरा बच्चा है ये अटकेलियां करेगा और ये इसका स्वाभाविक गुण है। यदि बच्चा वो अटकेलियां ना करे तो वो बच्चा स्वस्थ नहीं है, बच्चा है तो चंचलता करेगा, मां जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से उस पर अपना क्या बना लेती है, अधिकार। अब यदि माता ने केवल ऐसे आंख दिखाई ना तो बच्चा शांत हो जाए या रुक जाता है या मां की बात मानने लगता है, और मां ने एक बार उसको पुचकार करके कहा या एक बार ऐसे कहा अच्छा इधर आ, बस उस बच्चे के आनंद की कोई सीमा नहीं उस समय। तो देखो जैसे मां अपने बच्चे के प्रति करती है ना, बिल्कुल ठीक, हम प्रत्येक आत्मा, हम मां है मां, और ये जो मन बुद्धि चित्त इंद्रियां अहंकार ये जो भी कुछ है अपनी दृष्टि से, स्वयं के कल्याण की दृष्टि से बता रहा हूं, हम इन्हें अपनी संतति समझें, ये तो जड़ पदार्थ है, ये तो हमारे साधन है। हम आत्माओं की सर्वांगीण उन्नति के लिए ये साधन दिए परमात्मा ने, कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की।
जब हम ऐसे व्यवहार करेंगे बड़े प्रेम से, बड़े दुलार करके, पुचकार करके, कोई यदि मन का गला घोटना चाहेगा, सोचेगा कि मैं मन को वश में कर लूंगा, तो इतनी बढ़िया पटकी लगाएगा ये मन। कारण इसका सामर्थ्य बहुत अधिक है, जड़ है लेकिन बड़ा अधिक सामर्थ्य है। इसलिए कभी ऐसा मत कर देना, मां की तरह बड़े प्रेम से इसको संभालना। निश्चित हाँ, इसका नियम बता दिया, इसका सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने बता दिया, निरंतर, निरंतरता पूर्वक, नियमित रूप से। ऐसा नहीं आज थोड़ा नियंत्रण कर लिया और कल को। अच्छा, एक संकल्प लिया, उदाहरण के लिए कह रहा हूं बहुत सरलता से, मान लीजिए एक संकल्प लिया, अच्छा आज से मैं अपनी जिह्वा इंद्रिय पर काम करूंगा, रस जो है उसका त्याग करने का मैं आज से वचन लेता हूं, मान लीजिए संकल्प लेता हूं। आज ही लिया है, सुबह बाहर गए, देखा अरे गोलगप्पे वाला खड़ा है, देखा पुरानी स्मृतियां आ गई, पुरानी स्मृतियां जैसे आए तो कर्म फल उसके प्रति जो लगाव होता है उसे राग कहते हैं, राग उपस्थित हो गया। सोचा अच्छा आज तो फिर याद आया, अरे भाई आज तो संकल्प लिया था, तो क्या कहता है, चलो आज आज और खा लेता हूं, कल से देख लूंगा। बोले बस आज आज देख लेता हूं, तो संकल्प में ढील दे दी ना। अब संकल्प में जैसे ढील दे दी, आपकी पकड़ उतनी ही कमजोर हो गई। माता अपने संतति को कभी ढील नहीं देती, जहां पर मां को बिल्कुल कस करके रखना, वहां बिल्कुल कस करके रख दिए, नहीं मतलब नहीं, अग्नि जल रही है बच्चे को अग्नि के पास नहीं आने देना मतलब नहीं आने देना। अब बच्चा कितनी चेष्टा करे, वो रोए चिल्लाए चीखे कुछ करे, क्योंकि जानती है इसमें हानि है इसकी। ठीक ऐसे ही जब हम अपने मन के द्वारा कोई भी बुद्धि आदि से निर्णय करके कोई संकल्प लेते हैं, अब उसमें कोई ढील नहीं देनी। यदि विचार पूर्वक संकल्प ले लिया तो ले लिया, संकल्प को पालना, संकल्प लेना सहज है लेकिन उस संकल्प को निभाना बड़ा कठिन है, और वो संकल्प कोई भी हो सकता है। जब मैं गृहस्थी नहीं था तो दीक्षा जी के साथ वार्ताएं होती थी, एक अलग ही स्थितियां थी। गृहस्थी हुआ, बहुत अनुभव हुए, आज मैं एक बात कहता हूं, एक निष्कर्ष पे पहुंचा, किसी के प्रति भी जिसको आज की भाषा में कहते हैं प्रेम करना, उससे मुझे बड़ा प्रेम है, ऐसा कहते हैं ना। मैं इसको दूसरी दृष्टि से कहूं, किसी के साथ भी घर बसाना, विवाह करना, गृहस्थ को धारण करना बड़ा सहज है, लेकिन जिस उत्साह प्रसन्नता आदि से आपने गृहस्थ बसाया है, स्वीकार किया है, उसी से उसको जीवन भर निभाना, ये अपने आप में बड़ा बड़ा कठिन कार्य है वास्तव में। ठीक ऐसे ही किसी भी स्तर पर, चाहे भाई गृहस्थ का भी तो संकल्प लिया था कि मैं गृहस्थी होता हूं, मैं इनको स्वीकार करता हूं अपने जीवन साथी के रूप में, ऐसे ही किसी भी विद्या को पढ़ने का, मतलब कुछ भी संसार का कोई भी संकल्प यदि कभी भी करते हैं, संकल्प लेना सहज है उसको निभाना कठिन है। आज की आंगल भाषा में कहता हूं, किसी से भी प्रेम करना सहज है, निभाना कठिन है। चाहे आप भौतिक वस्तुओं से करो, चाहे आप स्वयं से करो, चाहे परमात्मा से, किसी से भी निभाना कठिन है। और जिसको निभाना आ गया ना, वो समझो वो माता की श्रेणी में, जैसे एक कुशल मां होती है अपने संतान को देखती है, हाँ इसमें ये सुखी है, उसमें इसकी कोई हानि नहीं है, वो उसको स्वतंत्र छोड़ देती है, ठीक है मौज कर। और जहां उसको तनिक सा भी लगता है ना कि यहां पर इसको तनिक सी भी पीड़ा हो सकती है, वहां वो अपना कार्य करते हुए भी, अन्य कार्यों को करते हुए भी बहुत सावधानी रहती है। मानो एक दृष्टि उसकी इधर हो और एक दृष्टि अपनी संतान पर हो। बस हमें भी ऐसे ही करना है, इन मन बुद्धि आदि ये जो भी हमें पदार्थ हमारे पास प्राप्त है, परमात्मा की बड़ी महान कृपा से, कोई शुल्क नहीं लिया प्रभु ने हमसे। सोचो बुद्धि कितना कितना महत्वपूर्ण तत्व है। मान लो परमात्मा इसका शुल्क मांगे, भाई हम कपड़ा खरीदते हैं, दर्जी के पास सिलवाने के लिए जाते हैं, पहले कपड़ा जिससे खरीदते हैं उसको धन देते हैं, और दर्जी जब उसको सिल करके देता है उसको भी धन देते हैं।
धोबी से धुलवाने जाए तो उसको धन देते हैं। परमात्मा जो हमारे कर्मों का, जो जैसा कर्म है उसका वैसा का वैसा जो का तो फल देता है। कभी शुल्क मांगा बेचारे ने? सोचो परमात्मा की मानता इस रूप में। तो हम इनको बहुत अच्छे से वश में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि हम बिल्कुल माता की भांति यदि इनके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, इस शब्द से आपको थोड़ा और समझ में आएगा, बलात् चेष्टा यदि करेंगे तो आपको हानि होने की भी संभावना है। आप इनको वश में करने चले थे, ऐसा ना हो कि कहीं यही आपको पटक दे। कैसे? तो एक उदाहरण समझिए, आज के समय में बड़ा प्रचलन में है, कई ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियां होती हैं। ईश कृपा से किसी भी संपर्क से, विद्वान के माध्यम से, किसी शास्त्र के माध्यम से, कुछ भी उनके उनके लिए संयोग बना हो, गुरुकुल आदि में चले जाते हैं। वहां जाकर के आजीवन ब्रह्मचारी है की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। मैं अब जब भी किसी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी से मिलता हूं तो उनसे बस एक निवेदन करता हूं, प्रतिज्ञा मत करो। प्रतिज्ञा करना और प्रतिज्ञा की हानि करना, यह सोचो स्वयं अपना नाश करने के तुल्य है। एक बात, दूसरा ये कैसे? तो देखो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, चलो बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन जानते भी हो कैसे रहना होता है, क्या क्या समस्या आती है। काम का वेग एक बार उपस्थित होने पर बड़े से बड़े महात्माओं को डोला देता है। तुम तो बालक हो, बच्चे हो, भी नादान हो, और तुम तो समाज में वो सब देख करके सीख करके आए हो। तुम्हारे लिए संयम इतना सहज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। और एक क्या करते हैं, भीतर तूफान मचा हुआ है और क्या करेंगे, नहीं 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 मैं तो ब्रह्मचारी हूं। उन्हें लगता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। वास्तव में बताऊं, बहुत सारे रोगों को वो अपने भीतर जन्म दे रहे होते हैं। भाई देखो कैसे, इसको इस तरह से ले लीजिए, बस भीतर कोई विचार आया काम से संबंधित, काम से संबंधित विचार आया, संस्कार, संस्कारों के आधार पर वृत्ति, वृत्ति से आपने उस पर देख लिया। अब भीतर जो क्रिया घटनी थी वो भीतर तो घट चुकी, बस बाहर से आपने उसको, बाहर से नहीं होने दिया, भीतर तो वो हो चुका जो होना था। और फिर कभी किसी के साथ प्रातःकाल सोकर के उठते हैं तो कोई इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं किसी के साथ। अब देखो कितनी ग्लानी के भाव आते हैं, कितनी। और कई लोग जबरदस्ती प्रयास करते हैं तो उनको ना जाने कौन कौन से दर्द और कौन कौन से रोग उनको होते हैं। मैं तो आप सबके सामने उनको कहना नहीं चाहता। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ना होकर के मानो मृत्यु है। तो ब्रह्मचर्य को ठीक गुरु की सन्निधि में, उसके सानिध्य में ठीक ठीक समझ करके, तब चाहे कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, किसी अनुभवी गुरु आचार्य आदि के सानिध्य में ही इन सब उच्च व्यवस्थाओं में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा ऐसी ऐसी हानियां होती हैं, ऐसे ऐसे दर्द होते हैं। मैं स्वयं कई लोगों को ऐसे को जानता हूं, वो कहते हैं कि आचार्य जी यदि कुछ उपचार है तो बताइए। अब उनको कैसे समझाऊं, समझना ही नहीं चाहते वो। उनको ऐसा लगता, अरे अच्छा तुम तो इस ग्रह के हो ही नहीं, तुम तो किसी अलग ग्रह से आए हो, ये बात तुम कैसे कर सकते हो, क्योंकि इस ग्रह के लोग तो ये बात करेंगे ही नहीं। जबकि उन्हें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपनी जो गांठ उन्होंने बना रखी है ना, उसको ढीला करना है, बस उनको स्वयं समझ में आ जाएगा कि हाँ बात यही है। अस्तु, तो आज की कक्षा का समय भी हो गया है। आप सभी को यहीं इस कक्षा को हम विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।